पलेरा थाना अंतर्गत ग्राम छिदारा पंचायत पुरेनिया के निवासियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कुछ समय पहले उनके परिवार में उनके भतीजे की मौत हो गई थी, जिसको लेकर चुनाव की एक रात पहले उनके घर उनके मिलने वाले आए थे। उसी समय पुलिस की गाड़ी वहां पर आई और उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ में 50 वर्षीय मुन्ना रेकवार कुएं में कूद गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं और इसी के चलते चुनाव का बहिष्कार किया गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि जब तक उचित कार्यवाही नहीं होती, जब तक मतदान नहीं किया जाएगा। उक्त मामले में टीकमगढ़ SP प्रशांत खरे द्वारा बताया गया है, मामले की जांच की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को समझाइश भी दी जा रही है कि वह अपने मत का प्रयोग करें, मतदान उनका अधिकार है, मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। भवन प्रताप सिंह, कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम छिदारा पंचायत पुरेनिया। आप लोगों ने आज जो की मतदान चल रहा है पंचायत का, और जैसी हम लोगों को जानकारी लगी है कि पूरे गांव ने बहिष्कार किया है मतदान ना करने का, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि पुलिस आई रात के जी, हमारा गांव उस मोहल्ले में थोड़ा बहुत एकत्र था, थोड़ी गमी होने के कारण, इस कारण से हमारा गांव थोड़ा एक 10-20 आदमी बैठे थे इकट्ठे, वहाँ से पुलिस आई, लाठीचार्ज की, गाली गलौज की, और वहाँ से आदमी को उन लोगों ने पीछा किया थोड़ा, तो वहाँ पर लाठी चार्ज करने से एक आदमी की मृत्यु हुई। इसके बाद उसका मुन्नालाल रेकवार, उसके बाद हम लोगों ने ये मैटर बनाया, उसको न्याय दीजिए, पुलिस के साथ पुलिस ने किया है ऐसा सब काम। हम लोगों यदि बुरे में नहीं एक साथ बैठ सकते हैं तो कब बैठ सकेंगे? तो आप लोगों का क्या विचार है कि यदि PM समय पर होता कार्रवाई होती है तो आप लोग मतदान करेंगे? जी बिल्कुल कार्रवाई होगी, जीत करेंगे, वो करेंगे मतदान। और टाइम पे नहीं होगा PM तो सर हम लोग नहीं करेंगे आपकी तारीख। एक्चुअल में मतदान बंद नहीं हुआ है शुरू से, कल जो रात में कुछ इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया था, उसी के तारतम्य में जो जाँच करके ग्रामीणों को समझा बुझा कर मतदान चालू करवाया। देर से शुरू हुआ है और अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। सर क्या कार्रवाई की गई उस मामले में? उसमें जो संबंधित दोषी कर्मचारी थे पुलिस के, उनके खिलाफ SP टीकमगढ़ ने कार्रवाई की गई, उन सभी को निलंबित किया गया है और आगे जो है विवेचना की जा रही है। आपका कमली भाई है। कहाँ की रहने वाली? जी कौन है आपकी मृतक जो खत्म हो गए? भाई है। क्या हो गया? वो जो मतलब एक घटना घट गई तो वो सारे जगह सारे मिले जुड़े बैठे थे। अच्छा, पहले से कोई घटना घट गई थी तुम्हारे घर में? हाँ, पहले कल। अच्छा, कल घट। कल कौन खत्म हो गया थी? वो जो मैं चाचा के लड़का। कैसे खत्म हुई थी वो? जो एक्सीडेंट से। अच्छा, तो घटना घट गई थी तो चलो एक जगह बैठे थे, एक जगह बैठे थे तो उसने बोला है कि चलो सब सारे लोग बैठे हैं तो एक कल वोट डालना है, कल बाय समाई होना है, तो क्या करना चाहिए? तो पहले बाय समाई कर लो के मतलब वोट डाल लो। कहीं नहीं नहीं, जैसे अब वोट कल तारीख में वोट तो हट नहीं सका, आने पीछे बाय समाई तो हो जाएगा, शाम तक हो जाए तो बाय समाई बाद में कि चलो पहले वोट भी डाल लो उसके बाद में कर ले। तो क्या हुआ? इतने में फिर पुलिस मतलब इतनी बात ही में पुलिस ही आ गई। अच्छा, आप लोगों के घर पर? घर पे नहीं आई। कहाँ बैठे थे आप लोग? रास्ते में बैठे। अच्छा, रास्ता में बैठे थे। हाँ, तो वहीं बैठे थे तो सारे बैठे तो उसने परसों कमी हो गई थी। हमारा एक भतीजा परिवार में खत्म हो गया था एक्सीडेंट से खमा में, वो भी आपने न्यूज देखी होगी सर। उसके लिए हम लोग सब बाबा साहब जुड़े थे, बैठे हुए थे अपने घर पर, तो अंधा हो तो बातचीत कुछ होती नहीं है सर, बाहर बैठते होती है सर। अचानक प्लस पानी था वो, अचानक प्लस आ गई तो उन्होंने पूछी जहाँ चीज कछु नहीं है। बुरे परसों के थे, आज रात को सर, आज तो हम लोग का करना ही है सर। तो उसके लिए कहा बैठे थे कि कल भूत डरना है तो अपन का टाइम से अपना रात दिन करना है, इसलिए दिन भी हो जाए और वोट भी डल जाए। इतने में सब रात को प्लस आ गई कोई 9 बजे के करीब, तो उन्होंने लाठी डंडों से घुमाना शुरू किया है सर। उनसे कहा सब कसूर तो बताओ कैसे लाने का, आप लाठी डंडे चला रहे। हम लोग ही सुनो गई बाद में कि हम लोग कहा बेटे हमारे तक क्या गमी हुई कहीं होगी सब, उनने कोई नहीं सुनी सब, उनने ढीमा को खसा लट मारा। आप कहा फटा भी है लट का, सब चक्कर आ गया सर, उसको कुगा में गिर गया, उसकी भी सब मृत्यु हो गई। Thank you.
आप बताइए सब कि अगर ऐसे मोहल के जनता को मोहल के खिलाफ वोट डालते हैं हम डालने के लिए गणेश रेखवा। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम छिदारा है, पुरैनिया पंचायत। पुरैनिया पंचायत आज वोटिंग होना है, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी लगी है कि आप लोगों ने बहिष्कार किया है मतदान का, क्या कारण है इसका? कारण सर ये है कि हम लोग कह के बैठे थे कहा अपने घर। अच्छा। गांव में हमारे यहाँ एक घटना हो गई थी परिवार में। अच्छा। भतीजो खत्म होगा तो उसके लिए जाइए, आज था उसका दिन जी। तो हम लोग कहा अपने कहा घर घर के, वो कहा दो चार गांव वाले भी कहा के बुलाओ, उन लोगों से कही के कहा के आज जो है वोट डालने, तो आज ही का है हम लोगों का है दिन। अच्छा, अच्छा। तो हम वोट कैसे डाल पाएंगे? हम लोगों का भाई एक दो तो उतना ही बच जाना है। इस वजह से साहब कहा सब जाए जुए थे, अचानक पुलिस आई, पुलिस ने साहब लाठी डंडों से कहा के मारपीट की। अच्छा। उनसे कहा के साहब कहा सुनो तो बात सुनो, कहा का वजह से कहा के लाठी डंडों से कहा आप मारपीट कर रहे, उनने कोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।